दोस्तों अगर आप भी एक क्रिकेट फैन हैं तो 3 लाख लोगों की तरह आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज आपको लगातार मिल सके। दोस्तों आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है और सही देखा भी है, वो इसलिए क्योंकि अब रोहित शर्मा की टेस्ट टीम में वापसी तय मानी जा रही है और वेस्ट इंडीज टूर के लिए टीम इंडिया में रोहित शर्मा का सिलेक्शन तय माना जा रहा है। दोस्तों अब सौरभ गांगुली भी मैदान पर उतर चुके हैं और विराट कोहली और रवि शास्त्री पर भड़कते हुए उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में शामिल करना चाहिए और इन्हें एक ओपनर के तौर पर खिलाना चाहिए। दोस्तों इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड में जहां पर टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है, टेस्ट में बेस्ट नंबर वन टीम टीम इंडिया 4-1 से सीरीज हार कर आई है, जहां पर एकमात्र मैच इन्होंने जीता था मैच नंबर 3 और 203 रनों से इस मैच को जीता था। दोस्तों इस सीरीज की सबसे खराब बात यही रही है कि ओपनर्स ने साथ नहीं दिया है। केएल राहुल एकमात्र पारी में अच्छा परफॉर्म कर पाए, 149 रनों की इन्होंने शतकीय पारी खेली और जब टीम इंडिया 4-1 से सीरीज हारी तो इसकी बेहद बुरी तरह आलोचना की गई है। दोस्तों सौरभ गांगुली ने कहा है कि रोहित शर्मा जिस प्रकार के फॉर्म में है, एशिया कप 2018 में ओडीआई मैचेस की ही बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से इन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस मूड में ये खेलते हुए नजर आए हैं, ऐसे में टीम इंडिया में शामिल होना इनका बेहद जरूरी है और अगर टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज जीतनी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो रोहित शर्मा को टीम में शामिल करना ही होगा। दोस्तों एशिया कप 2018 में रोहित शर्मा ने मात्र 5 मैच खेलकर 317 रन बनाए और जिनमें इनका स्ट्राइक रेट 93.51 का रहा है, यानी फॉर्म को देखते हुए रोहित शर्मा की टीम में जगह बनती है और रोहित शर्मा जल्द ही टीम में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी RS एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।